सब्सक्राइब कीजिए श्यामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 5 लाख में लगाइए पेपर बैग बनाने की यूनिट। 70,000 रूपए महीने तक हो सकती है आपकी इनकम। पर्यावरण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पॉलिथीन को बड़ा खतरा माना जाने लगा है। हाल के दिनों में कई उत्तराखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्य सरकारों ने पॉलिथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके चलते डिजाइनर पेपर बैग या पेपर करी बैग की डिमांड मार्केट में तेजी से बढ़ रही है। बायोडिग्रेडेबल होने के चलते पेपर बैग पर्यावरण के लिए पूरी तरह सुरक्षित माने जाते हैं, जबकि पॉलिथीन सालों तक नष्ट नहीं होते। अगर कम पैसों में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पेपर बैग मेकिंग बिजनेस आपके लिए रोजगार का बेहतर विकल्प हो सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि यह बिजनेस कैसे शुरू किया जाए और इसमें आपके लिए कमाई का क्या स्कोप है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या है पेपर बैग मेकिंग बिजनेस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कागज या पेपर के जरिए सामान रखने का थैला बनाने का बिजनेस ही पेपर बैग मेकिंग बिजनेस कहलाता है। इस तरह के बैग हाथ से भी बनाए जा सकते हैं, हालांकि इसकी प्रोडक्शन और क्वालिटी की अपनी सीमा होती है। अब बढ़ती डिमांड और प्रचलन के चलते इन्हें बनाने की मशीन आने लगी है। इन मशीनों की मदद से बनाए गए बैग बेहद आकर्षक होते हैं। यही कारण है कि इन बैग्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब मैं आपको बताऊंगी 5 लाख में शुरू हो सकता है यह बिजनेस। यह बिजनेस 5 लाख रुपए की लागत में भी शुरू हो सकता है। कंसल्टेंट्स वेबसाइट एक्सपर्ट मार्केट के अनुसार यह बिजनेस 5 लाख रुपए में शुरू किया जाता है। इस लागत में बिना प्रिंट वाली मशीन और रॉ मटेरियल आ जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगी पेपर बैग बनाने की मशीन के बारे में। पेपर बैग मेकिंग मशीन की कीमत 2.5 लाख से शुरू होकर 7 लाख तक होती है। 3.5 लाख तक की कीमत में आप छोटी यूनिट लगाकर मशीन खरीद सकते हैं। मार्केट में सस्ती मशीनें भी आती हैं, हालांकि इनमें जरूरी फीचर का अभाव होता है। 3.5 लाख की लागत में आपको ठीक ठाक अटैचमेंट की मशीन मिल सकती है। जब भी पेपर बैग मेकिंग मशीन खरीदें तो उसमें कुछ फीचर जरूर देखें, जैसे कि डबल कलर फ्लेक्सो प्रिंटिंग यूनिट अटैचमेंट, मेन ड्राइव के लिए 3 हॉर्स पावर का मोटर, एस्टीरियो डिजाइनर रोलर, फ्लैंक फार्मिंग डाई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी इसके लिए हमें कौन सी रॉ मटेरियल चाहिए। मशीन खरीदने के बाद अब बारी आती है पेपर बैग बनाने में यूज होने वाले रॉ मटेरियल की। आमतौर पर इसमें 3 सामग्री का यूज होता है। ठीक ठाक प्रोडक्शन के लिए आपको 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक की जरूरत पड़ेगी, जैसे सफेद या कलाई पेपर रोल, फ्लेक्सो कलर और पॉलीमर स्टीरियो की। इनमें से पेपर रोल 45 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम, फ्लेक्सो कलर 200 रुपए लीटर और पॉलीमर स्टीरियो 2 रुपए प्रति सेंटीमीटर पड़ता है। आपको इसके लिए 300 स्क्वायर फीट की जरूरत भी होगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कितनी हो सकती है आपकी इस बिजनेस में इनकम। जहां तक प्रॉफिट की बात है तो एक पेपर बैग पर लगभग 10 पैसे का प्रॉफिट होता है। एक मशीन हर मिनट 60 पेपर बैग तैयार करती है। इस हिसाब से हर मिनट 6 रुपए और हर घंटे 360 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर आप दिन में 8 घंटे मशीन चलाते हैं तो प्रॉफिट 2880 रुपए और इस गणित से महीने का 72,000 रुपए होता है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि आपके पास पर्याप्त डिमांड हो। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी डिमांड और मार्केट के बारे में। पर्यावरण को लेकर आ रही जागरूकता के चलते पेपर कैरी बैग की डिमांड में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कई राज्यों की ओर से पॉलिथीन और पॉलिथीन बैग पर पाबंदी के बाद कुछ सालों में इसकी मांग तेजी के साथ बढ़ रही है। सिर्फ दिल्ली और आसपास के इलाकों में ही पेपर बैग की डिमांड में बीते कुछ सालों के दौरान 20% सालाना की दर से बढ़ रही है। इसके अलावा विदेशों में भी इन बैग्स की ठीक ठाक डिमांड आ रही है। फ्रेंड्स, आप लोग भी
पेपर बैग बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।